हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलम आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल स्वाद कढ़ाई का। में आज हम बनाएंगे उड़द की दाल। जी हाँ, हम खिली खिली उड़द की दाल बनाएंगे। इसमें बनाने में कुछ स्पेशल नहीं है, बस आप तड़का ध्यान से देखें। तो चलिए देखिए, हमने स्टार्ट किया है। सबसे पहले हम थोड़ा सा तेल गरम करेंगे। अगर आप ऑयली खाते हैं तो तेल ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ये जितना भी वो है, हम 100 ग्राम दाल के लिए बना रहे हैं। उसमें हमने एक चम्मच जीरा और एक चम्मच कुटा हुआ साबुत धनिया लिया है। हल्का सा हम पिंक करेंगे और उसे भूनेंगे। इनको भूनने के लिए ब्लैक ना होने दें। ब्लैक होने से ना आपकी सब्जी, कोई भी आप बना रहे हो, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। अब इसमें हमने एक प्याज कटा हुआ बारीक बारीक टुकड़ों में, उसको भून लेंगे। जब ये भुनने लगे तो हमने इसमें चार लाल मिर्च, आप चाहें तो साबुत डाल सकते हैं, लेकिन हमने काट कर डाली है। जब ये मिर्च थोड़ी सी भुन जाए तो 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और उसे फिर भुनने देंगे। फ्रेंड्स, खाना बनाते हुए ध्यान से देखते रहिए तड़के का कलर। अब हम इसको अच्छी तरीके से चलाते रहेंगे। और इसके अंदर टमाटर को मिक्स करेंगे। अभी हमने इसमें मसाले नहीं डाले हैं, क्योंकि ये जो आपस में कुछ टेस्ट है, हम उनको आपस में मिक्स होने देंगे, ताकि वो उसका उड़द की दाल में टेस्ट बहुत अच्छी तरीके से निकल के आए। ये हमने मसाला डालना शुरू किया है। 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, नमक 1 चम्मच से कम लेंगे, क्योंकि ये हम बिल्कुल खिली हुई दाल बना रहे हैं, और थोड़ा सा गरम मसाला लेंगे। साथ ही इसमें डालेंगे हींग। हींग बहुत ज़रूरी है। आपने नोट किया होगा, मैं तड़के में हींग नहीं डालती हूँ, उससे उसकी क्वालिटी पे फ़र्क पड़ता है, तो इसलिए तड़के के बाद हींग डालें, तड़के में हींग जल जाती है। ये मसाला भुन चुका है। अब हम इसमें उड़द की दाल डालेंगे। ये उड़द की दाल हमने 2 घंटे पहले भिगो दी थी, तो ये अच्छी तरीके से भीग चुकी है। इसको पकने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अच्छी तरीके से चलाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप ये रेसिपी पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि आप मेरी हर रेसिपी में मेरे साथ जुड़े रहें। ये 1 कप दाल थी और हम इसमें 1 कप ही पानी डालेंगे। और इसको बनाने के बाद आप इसका स्वाद चखें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपको अच्छी लगती है तो मुझे बताएं कि सच में ये अच्छी लगी है, या आपको इसमें कुछ और कमी लगी है, तो मेरे साथ शेयर जरूर करें। क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपके साथ अच्छी से अच्छी चीज़ और बहुत टेस्टी कम मसाले के साथ आपके साथ शेयर कर सकूं। ये देखिए, लगभग ये आधी गल चुकी है। अब इसको हम और चलाएंगे। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मसाला भुनने के बाद कम से कम 10 मिनट की बात होती है। थोड़ा सा हम इसको देख लेंगे। जब बन जाए तो हल्की हल्की पानी वाली छोड़ें और 5 मिनट और इसको भाप में रख दें, गैस बंद करने के बाद। और ये तैयार है हमारी खिली खिली उड़द की दाल। जब तक उड़द की दाल में देसी घी का ऊपर से फ्लेवर ना आए, उसके स्वाद में कमी रह जाती है, इसीलिए हमने इसको कम घी में बनाया था। देखने के लिए शुक्रिया।